नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है माडूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। दोस्तों होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप जैसे आप टाइटल ने पढ़ लिया होगा कि इंडियन रेलवे बिल्ड कर बना रही है रेल फ्लाईओवर 250 स्टेशन के आसपास। अब ये क्यों बना रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके ऊपर बात करते हैं। इससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि ट्रेन डिलेज क्यों होती है। रेलवे हमेशा कोशिश पर रहता है कि ट्रेन डिले ना हो या ट्रेन की जो स्पीड है उसे हम थोड़ी बढ़ा सके, एवरेज स्पीड। यानी कि अगर कोई ट्रेन 50 kmph पे चल रही है उसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा दी जाए, 55 kmph कर दी जाए, जिससे उसकी जो ड्यूरेशन है, एवरेज टाइम जो है वो थोड़ा घट जाए और ट्रेन की स्पीड भी बढ़ जाए। तो इसके लेते हुए ट्रेन हमारे इंडियन रेलवे बहुत कुछ चीज़ें बदलाव कर रही है। अब डिले क्यों होती है ट्रेन, इसके कुछ कारण हैं जो मैंने बहुत वीडियोज़ में बताए हुए हैं पहले भी। जैसे कि पहला कारण है अनमैन क्रॉसिंग्स, रेलवे ट्रैक पे क्रॉसिंग्स होना या फिर स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगा होना इस सब का। दूसरा कारण ये है कि ट्रेन का एक जाम होना, ट्रेन भी तो ट्रैफिक में फंसती है। अब जैसे वहाँ चले न्यू दिल्ली से कानपुर तक का सेक्शन है 440 किलोमीटर का और उस पर ट्रेन दौड़ रही है, करीबन 70 ट्रेन्स की क्षमता है बट दौड़ 100 से ऊपर रही है, तो हाजली है कि वहाँ पे ट्रेन की ट्रैफिक लग जाएगा। तो ये सब रीजंस हैं ट्रेन का डिले होना। तो एक रीज़न को इंडियन रेलवे थोड़ा कम करना चाहती है जो कि है अनमैन क्रॉसिंग्स। ये दोस्तों आपने बहुत जगह देखा होगा अनमैन क्रॉसिंग्स और इसी के लिए स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी रहता है। तो अगर आप न्यू दिल्ली की तरफ से हैं या फिर आप कभी न्यू दिल्ली आते हैं तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, तिलक ब्रिज एक न्यू दिल्ली से पहले स्टेशन पड़ता है छोटा सा, वहाँ पर आपकी ट्रेन मैक्सिमम टाइम रुकती है। मतलब बहुत सारी ट्रेन है जो वहाँ पे रुकती ही है। वो किस लिए रुकती है, वो इसीलिए क्योंकि अनमैन क्रॉसिंग उस जगह पे बहुत होता है। न्यू दिल्ली और तिलक ब्रिज के बीच में अनमैन क्रॉसिंग बहुत होता है। इसके कारण रेलवे को, मतलब जो ट्रेन है, चाहे वो प्रीमियम ट्रेन हो, चाहे वो एक्सप्रेस हो, पैसेंजर हो, कोई सी भी ट्रेन हो, उसको वहाँ पे सिग्नल नहीं मिलता है, रेड मिलता है, ग्रीन नहीं मिलता है, वो इसी वजह से कि अनमैन क्रॉसिंग होने के कारण। तो इंडियन रेलवे ये सोच रही है कि इस चीज़ को हम रिड्यूस करें, मतलब यहाँ पे रेल फ्लाईओवर मतलब कि एक अपर पाथ बना दें, जो अक्सर हम देखते हैं फुटओवर ब्रिज, वो बना दिया जाए जिससे लोग उसे यूज़ करें और अनमैन्ड क्रॉसिंग्स ना हो। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो टाइम जो ड्यूरेशन ले रही है, मान के चलिए एक ट्रेन है जो दिल्ली पहुँचने का टाइम है सुबह 7 बजे या फिर 9 बजे मान के चलिए, उस टाइम रश होता है तो लोग ज़्यादा क्रॉस करते हैं ट्रैक्स को, 9 बजे पहुँच रही है तिलक ब्रिज पे, वो आती है 8:45 पे। अब उसको अगर वहाँ आगे क्लीयरेंस नहीं मिल रहा है, अगर प्लेटफॉर्म खाली है तब भी क्लीयरेंस नहीं मिल रहा है, तो उसको 15-20 मिनट और डिले हो जाता है। तो इसको चलते हुए कि वो ट्रेन 15-20 मिनट डिले ना हो, इसके चलते इंडियन रेलवे सोच रही है कि करीबन 250 स्टेशनों के बाहर नियर ये ब्रिज, रेल फ्लाईओवर ब्रिज बनाया जाए। अब इंडियन रेलवे ने न्यू दिल्ली के आसपास जो जगह है जहाँ बनाना है वो तो लोकेशन उन्होंने ढूंढ ली है, बट अब देखना ये है कि बनता कब है। तो देखते हैं दोस्तों इसकी शुरुआत कब होती है और जैसी होगी तो वो अपडेट भी आपको मिल जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक यू इस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।